डैडी। हमें लगा तू अपना है। जिन्होंने आंख मूंद कर तुझ पे भरोसा किया उन्हीं को तूने धोखा दिया। इसे छोड़ दीजिए, क्रिश को छोड़। तूने अपने प्रेमी को इसी घर में छुपा रखा था और हम सबसे कहा कि वो कहीं भाग गया है। अब अगर तू बीच में बोली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पर मेरी बात। चुप कर। डैडी, उसकी कोई गलती नहीं है। प्लीज, इन्हें रोक लीजिए डैडी। क्रिश को मत मारिए। गलती तो मेरी परवरिश में हो गई। तुमने मुझे धोखा दिया। देखिए वो मर जाएगा। प्लीज रोकिए उसे। मर जाने दो। प्लीज रोकिए। मर जाने दो उसे। तुझसे मैंने कहा था मुझसे दुश्मनी बहुत ही महंगी पड़ेगी। भूमि कल भी मेरी थी और आज भी सिर्फ मेरी है। माँ कसम, मेरे खून का आखिरी कतरा बहने तक मैं भूमि पर तेरी परछाई भी पड़ने नहीं दूंगा। हिम्मत है तो मुझे रोक। अपनी जबान पर भूमि का नाम भी बदला। मैंने तो अपनी जिंदगी तेरे नाम कर दी थी पर तूने मुझे भी धोखा दिया। रुक जाओ, वहीं रुक जाओ। तुम दोनों को एक होकर अपने दुश्मनों से लड़ता देखो, ये मेरी इच्छा थी। पर इसको तुम दोनों इसको पीटोगे? अगर ये मालूम होता तो मैंने तुम्हें कभी ना मिलाया होता। लेकिन ये धोखेबाज है। पर इसको हाथ लगाने से पहले इस बुड्ढे को मारो। और अब तू भी सुन, तू झूठी शान के लिए उस लड़की की जिंदगी बर्बाद कर रहा था, इसलिए मेरे बोले एक झूठ की वजह से ये लड़का यहाँ आया। पिताजी, इस लड़के ने शहर में मेरी बेटी को धोखा दिया। असल में उसे यहाँ भेजने वाली तेरी बेटी ही थी। अब वो भूमि की जिंदगी से खेल रहा है। बाबा, जायदाद का लालच है इसे। क्या औकात है तेरी? तेरी जायदाद की क्या कीमत है जो ये हड़पने आएगा? हमारी सारी जायदाद मिलकर भी ना इसकी जायदाद का 1% नहीं है। हजारों करोड़ का वारिस है ये। अपने ऐशो आराम को छोड़कर ये यहाँ पर तुम्हारी बेटी को बचाने आया था। इस पागल खाने को इसने वृंदावन बना दिया। क्या बकवास कर रहा था तू कि ये भूमि की जिंदगी से खेल रहा है? ए, वो खुद इससे प्रेम करने लगी है। तुम भी तो पहले इससे नफरत करते थे, फिर पसंद क्यों करने लगे? यही तुम्हारी बेटी के साथ हुआ। अरे चाहे वो कोई भी हो, पशु हो या मनुष्य, इसे चाहेगा ही। ऐसा ही है ये। भाई साहब, जिसने इस घर को प्यार करना सिखाया उसी घर ने इसका खून बहाया। इसके लिए मैं शर्मिंदा हूं। भैया, वो भूमि को उठाकर ले गया। हम में से कोई नहीं जाएगा, अब भूमि को यही लाएगा। उठ मेरे बच्चे, तूने ही काम पूरा करने का वादा किया था। अब जा, जाके भूमि को लेकर आ। छोड़ो मुझे।
तेरी कमिटमेंट मुझे अच्छी लगी, पर समझ नहीं आता तेरी फूटी किस्मत का क्या करूं। मैं बीच में आ गया ना, तुझे ये लड़की चाहिए ना तो आ और लेकर जा। देख क्या रहा है, आजा। अरे देख क्या रहा है। माँ का दूध पिया है तो उठ, मुझे मार और इसे ले जा। उठ कुत्ते। सुन कमीने, अगर अब भी तुझमें भूमि को मुझसे छीनने की हिम्मत है तो आ जाना, खत्म कर दूंगा तेरी हिम्मत को नहीं तुझे। अरे भाई, ये प्यार करती है और ये भी करता है, वो प्यार करती है और ये भी करता है। बेटा तो क्या आप टॉस करें? जी आप, ये बच्चा कैसे फैसला करेगा? ए भानु, तू बताना। अरे शिव, अरे तू बताना। अरे बता बता बता। आजादिया खाली मत करो, मैं कैसे बताऊं? इन्हीं तीनों को निपटने दो। मैं अभी आया। मंदिर जाना है, उठ जाओ। मैं मंदिर नहीं जाऊंगा माँ। लोग मंदिर क्यों जाते हैं जब उन्हें कोई प्रॉब्लम होती है? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उस दिन मैंने आपके मंदिर में आने से मना क्या कर दिया, आप तो फिर भी खींच लाए मुझे। पुत्र, ओ भगवान जी, आप और यहाँ? तुम्हारे यहाँ आने का कारण? जानकर अनजान बनने की कला तो कोई आप ही से सीखे भगवान। ये आपकी क्या लीला है? दोनों से ब्याह कर लो, कठिनाई होगी, बाद में आदत पड़ जाएगी। क्या आदत पड़ जाएगी? इस रास्ते पर सिर्फ मुसीबत है। जरा कुछ सोचिए, मुझे कोई हल बताइए। इसका कोई हल नहीं, सदा सुहागन रहो। भगवान, भगवान, मैंने उनसे हल पूछा और वो गायब हो गए। इसका मतलब तो दी एंड हो गया मेरा।